हैं फिजिक्स के लिए इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग देख लेना क्योंकि इनके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं सीबीएसई बोर्ड में आने के ठीक है तो आपको सबसे पहले वनशॉर्ट लेक्चर देखने हैं आप चाहो तो आपने जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखा है उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपने वो भी देख लिया यू कैन डू इट इन दिस वे ऑल्सो या फिर आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो देन यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हो ठीक है तो अच्छे से आप लोग को ये चीजें पहले कर लेनी है ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है जिनका सिलेबस हो चुका है उन्हें लेक्चर्स देखने की अभी जरूरत नहीं है उन लोगों ने नोट्स बनाए होंगे या फिर नहीं भी बनाए हैं तो जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं ना उनसे अपना रिविजन कर लो ठीक है लेक्चर्स देखने की अभी आपको जरूरत नहीं है तो ये आई होप समझ में आ गया होगा फिजिक्स में आपको पता है डेरीवेशन आते हैं ठीक है डेरीवेशन थोड़े लिमिटेड हैं तो डेरिवेशन आपको देखने हैं बट आपका मेजर फोकस जो है डेरीवेशन पे नहीं होना चाहिए जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है वो डेफिनेटली आपको सबका याद होना चाहिए बट जो मेन फोकस है वो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में होना चाहिए ठीक है न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग को क्या करना है मैंने वीडियोज डाल रखी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में आपको वो वीडियोज देखनी है इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आपको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है सेम गोज़ फॉर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ठीक है ऐसे जो भी बच्चे हैं ना जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है वो क्वेश्चन बैंक के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को प्रेफर करना क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है सिलेबस तो आपका हो ही चुका है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो क्वेश्चन बैंक के कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस उठा लेना ठीक है उसके बाद देखो हर बच्चे को प्रीवियस ईयर तो करने ही है चाहे सिलेबस हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो पांच से दस यार सैंपल पेपर सॉरी प्रीवियस ईयर जरूर आप लोगों को करने हैं और सैंपल पेपर जो है वो कम करने हैं दो से तीन अभी सैंपल पेपर क्यों प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज आपको आइडिया मिल जाएगा कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है आपके एमसीक्यूज भी हैं एसर्सन रीजन वाले क्वेश्चन भी हैं के स्टडी भी हैं लॉन्ग uh, वाले शॉर्ट वाले वेरी शॉर्ट वाले सारे टाइप के क्वेश्चन है तो एक बार सैंपल पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लेना देख लेना दो तीन पेपर्स को प्रैक्टिस भी कर लेना ठीक तो है और प्रीवियस तो मोस्ट इतोर्टेंट है क्यों है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड प्रीवियस ईयर से ही आते हैं अगर आपने पांच से दस प्रीवियस इस कर लिए तो डेफिनेटली आप लोग पास तो आराम से हो जाओगे ठीक है अगर आप लोग के पास पीडीएफ नहीं है तो मैंने पीडीएफ ना स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर रखी है आप सभी लोग चले जाओ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो सारे पी वाई क्यू सारे सैम्पल पेपर्स इवन मैंने प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइड करे हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अपने लिए ले, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हो ठीक है उसके बाद देखो ये सारे हमारे पास चैप्टर्स हैं ठीक है ये तीन है हमारे इलेक्ट्रिसिटी <coughs> से रिलेटेड ठीक है उसके बाद नेक्स्ट ये वाले हमारे पास जो है मैग्नेटिज से थोड़ा रिलेटेड है मतलब ई एम आई और ए सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मेनली इसमें दोनों यूज हो जाते हैं ठीक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इसलिए इसको हम बोलते हैं ठीक है और फिर है हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ये भी दोनों का कॉम्बिनेशन है देन हमारे पास ऑप्टिक्स आती है दिस इज ऑप्टिक्स ठीक है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर देन हमारे पास है एटम्स न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं अब आपको आखिरी के ये जो चार दिन है पांच दिन है इसमें कैसे प्रिपेयर करना है वैसे तो फाइव एंड हाफ डेज है क्योंकि आज है ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन खुद ही बहुत ज्यादा आई थिंक कंफ्यूज हो रही हूँ ट्वेंटी सेवन है ठीक है 28 है 29 है वन टू थ्री ये पांच दिन है और आधा दिन आपका 27 का भी बचा है, है ना तो यहाँ पर आधा दिन आपका बच रखा है तो यहाँ पर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन ठीक है या फिर आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग जो एक्चुअल है वो इन पांच दिनों में आप कर रहे हो एंटायर रिवीजन रिविजन पीवा पेपर सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यार 27 से ही स्टार्ट कर दो ठीक है कुछ केमिस्ट्री का पेपर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है जैसा भी गया ठीक गया बट अब आपको नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है ठीक है तो देखो सबसे पहले फर्स्ट डे आपको क्या करना है फर्स्ट थ्री चैप्टर्स जो ये तीन चैप्टर्स है ना ये तीनों चैप्टर्स आपको कर लेने हैं हमारे पहले दिन ठीक है अच्छे से आपने वन शॉर्ट्स भी देख लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देख लिए थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर भी देख लिए एंड योर गुड टू गो सेकंड डे की अगर हम बात करें तो हमें ये चार चैप्टर्स करने हैं ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चार चैप्टर्स ये चारों चैप्टर्स आपको कर लेने हैं उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लाइक like ई तो बहुत ही छोटा सा है तो ईजिली हो जाएगा विद विदीस थ्री चैप्टर्स फिर उसके बाद हमें क्या करना है थर्ड डे एट नाइन्थ और टेंथ चैप्टर करना है विच मीन दिस एंड रे एंड वेव ऑप्टिक्स क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़ी सी लंबी है तो हमें इनफ टाइम देना है ऑप्टिक्स को उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ डे हमें बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स कर लेने हैं यानी कि ये चार चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स वाले ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लाइक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में तो सब कुछ ही डिलीट हो गया है तो आप आराम से इसको एक दो घंटे में कंप्लीट कर सकते हो फिर ये दोनों भी बहुत ही छोटे से चैप्टर्स हैं इसमें भी जो मैक्सिमम पोर्शन था रेडियो एक्टिविटी वाला वो सब कट चुका है तो ये भी बहुत छोटा है आप आसानी से कर लोगे एंड अगेन यहाँ पर से भी मैक्सिमम चीजें डिलीट हो चुकी हैं तो आप आराम से एक दिन में अच्छे से ये पूरी जो मॉडर्न फिजिक्स वाली ब्रांच है उसको कंप्लीट कर सकते हो ठीक है तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं तो एक दो देखो ऑप्टिक्स आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर डिवाइसेज छोटा चैप्टर है बट वेटेज काफी ज्यादा है सात नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना उसके अलावा ये जो हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है आप लोग जरूर देख लेना उसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ डे हमें क्या करना है पूरा रिविजन करना है सिलेबस तो देखो यहां पर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो ही चुका होगा यहां पर हमें क्या करना है पूरा रिवीजन करना है इसके अलावा सैंपल पेपर्स यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस यहीं पे आप लोग साथ साथ करते जाना और यहाँ पर सिर्फ सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना लास्ट डे सो दैट जो पैटर्न है वो आप अच्छे से एनालाइज कर लो ठीक है ये तो उन बच्चों के लिए था जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर बहुत ही कम पढ़ रखा है बट जिन बच्चों ने पूरा पढ़ लिया है उनको इन फाइव एंड अफ डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है सबसे पहले आपने क्या किया वन एंड हाफ डे पूरा रिवीजन कर लिया जितना भी आपने पढ़ा था बाकी के जो हमारे पास रिमेनिंग फोर डेज बचे हैं उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस इस करने हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने हैं और क्वेश्चन बैंक करने हैं क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका है सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन बैंक से भी questions को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो सो so बस हमने सारी ही चीजें डिस्कस कर ली है ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोग को सारे जो रिसोर्सेज है मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं तो so आप लोग उन चीजों का यूज कर लेना सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाई एवरी टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट